गाइस, पिछले 72 घंटे में हमारे यहाँ पे इतनी जोर की बारिश हुई कि हमने यहाँ पे बकरी से लेके भैंस, पेड़ से लेके खंबा, घर और आदमी बह रहे हैं और मकान का कोई पता नहीं है। गाइस सच में यार, वो पानी 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 वाला मीम है ना, बिल्कुल रियल हो गया। अजमेर राजस्थान के अंदर इतना पानी हो गया है कि अब भाई कोई कह नहीं सकता है कि पानी नहीं है। भाई चलो फटाक से एक काम करते हैं, हम जहाँ पे पहले वीडियो बनाते हैं ना हमारे गांव की तालाब, वहाँ से शुरुआत करते हैं और अजमेर की फेमस फेमस लोकेशंस पे आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ के क्या हाल हो गए हैं। भाई वहाँ पे गाड़ियाँ तकातक बह रही है। बारिश के बाद राजस्थान के अजमेर में स्थिति बेहद खराब है, तो बिना किसी देरी के फटाक से चलते हैं। चले चलो चलो चले दद्दू चलो। सर बच्चे चल के बाद में बरसात फुल देखी थी मैंने, उसके बाद अब देख रहा हूँ मैं पानी पानी हो रखा। चलो 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 गाइस चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे दद्दू आराम से यार, तुम बढ़िया एकदम लगा दिए। सॉरी सॉरी दद्दू, आजा बैठ 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 भूपेंद्र, आजा। गाइस फटाक से चलते हैं, पहले हमारे गाँव की तालाब से शुरुआत करते हैं। गाइस यार जगह जगह पे पानी भर चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे। भाई सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, देखो ये पानी पानी हो रखा है भैया। मैं पानी पानी हो गई। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। गाइस यार सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हमारा खूबसूरत सा राजस्थान है। भाई ये एकदम क्लियर वाटर है, एकदम क्लियर वाटर, और ये जो पानी आ रहा है ना हमारे गांव के तालाब से आ रहा है। भाई अपना हरियालो राजस्थान है, हरियाला राजस्थान, पानी पानी का राजस्थान है। चलते आगे चलते गाइस। भाई तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव की तालाब के अंदर, और चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे पानी कितना भर चुका है, आ जाओ। गाइस यार ये जो हमारे गांव का तालाब है ना भाई, यहाँ पे हम सब लोग अक्सर मिलके वीडियोस बनाया करते हैं, और अभी भी आप देख सकते हो मेरे पीछे एक वीडियो शूट हो रहा है वहाँ पे, और भाइयों ने यहाँ पे रस्सी बांध रखी है। देखो ये रस्सी बांध रखी है और वहाँ पे वो रही उनकी बोट नैया। चलो एक काम करते हैं, फटाक से यहाँ के ड्रोन व्यू देते हैं आपको और आप ग्रेट करना कैसा लग रहा है हमारा गांव का जो तालाब है वो। ये छोटा तालाब है, इससे एक बड़ा तालाब और है, इसके बाद हम वहां पे चलेंगे। गाइस सच के अंदर ये हमारे गांव का सबसे खूबसूरत तालाब है, क्योंकि हम सभी लोग यहां पे मिलके वीडियोस बनाया करते हैं, हमारी मोस्टली पानी से रिलेटेड वीडियोस यहीं पे बनती है। बड़े कहंदे हुन बदलया तू, हां देखो मैं आ बदला, बड़े कहंदे हुन घूमदा नी नाला, देखो नहीं हुन मैं घूमदा। सच में यार गांव की खूबसूरती तो एक नंबर है, बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है भाई। ये टूट गया तंबू। गाइस ऐसी लहरें तो समुद्र में उड़ती हैं, यहाँ पे कैसे आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तंबू में ही पानी आ गया है। गाइस अभी तो हमने आपको छोटी तालाब दिखाई थी, अब बड़ी वाली तालाब दिखाते हैं। चलो चलो गाइस, गाड़ी फंस गई हमारी। गाइस फंस गए यार, दिक्कत होगी, ये दिक्कत होती है बारिश के अंदर। उतर दद्दू उतर, बहुत बारिश बारिश होगी ये तो। तो गाइस कुछ ही देर में हम हमारे गांव के तालाब में पहुंचने वाले हैं, बड़े वाले तालाब में, बड़े वाले में। हां बड़े वाले। चलो 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 चलो। चलो गाइस अब आपको दिखाते हैं हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब। तो गाइस ये है हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब। हाँ दद्दो। हाँ भैया। तालाब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, और बड़ा भारी भर गया है, बड़ा तालाब है हमारा। हाँ बल्ले का बड़ा तालाब है ये। गाइस यार सच में बहुत ही प्यारा तालाब है, और मेरे पाँव की हालत देखो एक बार, कितने ज्यादा गंदे हो चुके हैं। गंदे हो गए, बाप रे बाप। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से आपको ड्रोन व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे जो पानी है ना हमारे उस छोटे वाले तालाब से
कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा पानी या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने कोई गिना नहीं है यहाँ पे, बट अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। और सच में अभी जो यहाँ का नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। गाइस ड्रोन व्यू देखो एक बार। भाई साहब बहुत ही एपिक लग रहा है, बहुत ही एपिक। लो गाइस हो गई बरसात चालू। दत्तो हां भैया, ये गाइस देखो छींटे गिरने चालू। गाइस 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 हमें यहां से निकलना पड़ेगा, बारिश तेज चालू हो गई है। लो भाई हो गया सत्यानाश, बारिश रुकने के बाद चलते हैं आगे। तो गाइस बारिश भैया अपना रंग दिखा रही है, तो भैया आगे का जो सफर है हम इससे नहीं बल्कि करेंगे इस थार से। चलो चलते हैं। चलने दो, चलने दो, चलने दो। गाइस चाहे अब बारिश आए या तूफान, भाई हम आ चुके हैं हमारी थार के अंदर और अब आपको दिखाएंगे भैया अजमेर में बारिश के हाल क्या है। गाइस जो पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक है ना वो तकातक खुद चुका है भाई बारिश की वजह से। और गाइस यही नहीं, हमारे जो अजमेर के नाले हैं उनका बहाव एक पल के लिए देखो आप। गाइस एक बार देखो कितना भयंकर स्पीड से जा रहा है यार ये। तो गाइस अभी आपको देख के पता चल ही गया होगा कि हम कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं। भाई जिसको पता चल गया कमेंट कर दो फटाक से। तो गाइस अभी भैया हम आधी चढ़ाई पे चढ़े हैं और ये है भैया तारागढ़। बाकी एक बार देखो पीछे की तरफ का नज़ारा, इसलिए मैं यहाँ पे रुका था भैया। पानी पानी जमा रखा है, सच में नेक्स्ट लेवल है यार। देखो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग है ना पैदल जा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे आई डोंट नो। आधे रास्ते में ही हमें लगभग पूरा अजमेर दिखने लग गया है। भाई जब ऊपर जाएंगे ना तो पूरा अजमेर का 360 व्यू दिखता है यहाँ से। बाकी अपनी थार कितनी मस्त लग रही है यार। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भैया लेपर्ड का मूवमेंट है। गाइस यार सच के अंदर इतनी बारिश के अंदर भी लोग भाई घूमने से रुक नहीं रहे, उनको कोई घूमने से रोक ही नहीं पा रहा है। वहाँ पहाड़ियों के ऊपर बाइकें चल रही है, नीचे की तरफ लोग घूम रहे हैं, पानी के अंदर डाक रहे हैं। भैया फुल इंजॉय चल रहा है, फुल इंजॉय। तो गाइज ये जो आप डैम देख रहे हो इसका नाम है हैप्पी विलेज डैम, जो कि ब्रिटिश राज के अंदर बनाया गया था। 1975 में ये पहली बार भरा था जब अजमेर में बाढ़ आई थी, और तब से लेके आज तक ये सिर्फ दो बार भरा है, एक 2023 में और दूसरा 2024 यानी कि अभी। तो गाइस बारिश आना चालू हो चुकी है, फटाक से चलते हैं ऊपर भी जाना भैया, वरना गाइस यहीं पे हमारा सारा का टाइम निकल जाएगा। चलो 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 चलो। OMG गाइस बारिश हकीकत में तेज हो चुकी है यार, बरसात तेज होगी भैया। तो गाइस अब जिस चढ़ाई को हम चढ़ने वाले हैं वो टोटल 6 किलोमीटर 29 टर्न्स 2825 फीट पे हमारे महाराजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किले की तरफ जा रही है। तो चलो चलते हैं। सच में गाइस ये जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थी, और ऊपर पहुँचते ही हमें देखने को मिला अजमेर का सबसे ऊंचाई पे स्थित गांव। गाइस आगे की तरफ अंधेरा होना चालू हो गया यार, भाई काले बादल आ रहे हैं, पूरा का पूरा अंधेरा हो रहा है। भाई थोड़ी देर में हमें शायद से कुछ भी नहीं दिखने वाला है यहाँ पे, हम जा तो रहे हैं ऐसा ना फंस जाएं। गाइस देखो अंधेरा कितना ज़्यादा हो चुका है, जबकि अभी दिन के कितने बज रहे हैं मैं आपको फोन से दिखाता हूँ। ये देखो 4 बज रहे हैं, 4 और 4 बजे इतना अंधेरा हो चुका है, जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो गाइस जो तारागढ़ का टावर है ना भैया वो ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा आई डोंट नो, दिख रहा है क्या कैमरे के अंदर? नहीं, जस्ट हम नीचे खड़े ये रहा भाई, एकदम हल्का हल्का दिख रहा है आंखों से, जबकि वो मेरे से ना 10 मीटर दूर भी नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि हम बादलों के अंदर है। जो तारागढ़ की ऊंचाई है ना, ये जो पहाड़ी है, इस माउंटेन की जो ऊंचाई है इतनी है कि हम बादलों के अंदर से निकल रहे भैया। चलो 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 दिखा 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 दिखा
दिखा दिखा गाइस, देखो कितना करीब से भी नहीं दिख रहा, वरना हमारे घर से दिखता है ये टावर। तो गाइस अभी भैया मैं घर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन डाल रखी है और दूसरी जगह मैंने डाल रखा है तारागढ़ को, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और वो मुझे आंखों से एकदम क्लियर दिख रहा है। एक बार देखो घर से, गाइस आगे वहां से जो पॉइंट दिख रहे हो ना, वहां से पूरा का पूरा अजमेर दिखता है यार। गाइस ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास आ चुके। देखो बादल कैसे कट कट के निकल के आ रहे हैं इनमें से, देखो। ओ भाई साहब खाई है यार, नीचे अजमेर दिख ही नहीं रहा है, नीचे अजमेर आना सागर है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है भाई। ऑसम अजमेर दिख रहा है, देखो दिखने लग गया है। अभी मैं जिस लोकेशन पे बैठा हूँ, यहाँ से भैया हम पूरे शहर पे नज़र रख सकते हैं। मतलब कि पिछले टाइम पे जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब रूल करते थे, तो भैया वो ऐसी किसी लोकेशन पे बैठा करते होंगे जहाँ से पूरा का पूरा अजमेर का जो व्यू है 360 व्यू है वो दिखाई देता है। सच में बहुत ही ऑसम है यार। चलो फटाक से नीचे चलते हैं यार, बारिश और तेज आ सकती है थोड़ी देर में, आ रहे हैं बारिश के काले बादल आ रहे हैं। गाइज अब जो ये टावर है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलो 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 गाइस, गाइस अब देखो जो विजिबिलिटी है कितनी शानदार है, एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर। और गाइस अब हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो भैया अजमेर की तो बेस्ट है ही है, और बाकी आपने हमारी वीडियोस में भी काफी बार देखी होगी भाई, वहाँ पे चल के हम सच में उदम मचाने वाले हैं, काफी मस्ती मजे करेंगे, सच के अंदर मजा आ जाएगा। भीड़ देखो फ्लाईओवर पे कितनी ज्यादा है भाई, बारिश इतनी ज्यादा हुई है ना, आधी से ज्यादा सड़कें टूट चुकी है, तो भैया सारी की सारी जो भीड़ है वो एक ही तरफ आ रही है। गाइस फाइनली हम अजमेर चौपाटी के पास आ चुके हैं, और यहाँ के जो हाल है सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं यार, वो आप देख के ही पता लगा लो। गाइस अब देखो जो पानी है वो कितना भर चुका है आना सागर की सड़कों में। मेरे पीछे जो चौपाटी है वो है, और आना सागर पूरा आप लेक देख पा रहे हो। ओ भाई साहब डिवाइडर के यहाँ यहाँ तक पानी आ चुका है भाई, लोग खड़े खड़े होके मजे ले रहे हैं फुल ऑन। फाइनली आना सागर के अंदर भैया नाव चला ली, और काफी मजा आया। वैसे उसके अंदर नहीं चलाने दिया हमने, फुटपाथ पे चलाई है, मजा आ गया बाकी, सच में मजा आया। बाकी गाइस सच में थार कहीं नहीं अटकती है यार, दूसरी सारी गाड़ियां अटक रही है।
तो गाइस आज है भैया डे टू, भाई एक दिन के अंदर हम सारी जगह आपको नहीं घुमा सकते दद्दू। हाँ नहीं घुमा सकते भैया। आज कहाँ जाएंगे? आज जाएंगे पुष्कर, केदारनाथ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, पुष्कर, फाईसागर और अजयपाल। तो गाइस अभी हम फाईसागर लेक जा रहे हैं। भाई पानी देख लो, सोचो यहाँ पे इतना पानी है तो वहाँ पे कितना होगा। बहुत ही ऑसम होने वाला है, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। गाइस फाइनली पहुंच गए, चलो फटाक से लोकेशन पे चलते हैं। जो भी हमारे भाई बहन अजमेर से हैं उनको तो ये लोकेशन देख के पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ पे आ चुके हैं। और पानी की आवाज आ रही है मुझे बहुत ही तेज से बहती हुई। ओ भाई साहब ऑसम। तो दद्दू कहाँ पहुँच गए हम? भाई फाईसागर की चादर पे खड़े हैं भैया, हम पानी देख रहे हैं। तो दिखा दे, दिखा दो गाइस इन 3 2 1 टन टन। भाई साहब पीछे चादर चल रही है बहुत ही जोर की। अनाप से शराब, वो पानी नहीं मारा चादर में। गाइस एक बार देखो कितना जो प्यारा व्यू है पीछे का आ रहा है। तो गाइस फाईसागर की जो दूसरी पाल थी वो भाई ऑलमोस्ट टूटने पे आ गई थी, तो गवर्नमेंट ने भाई यहाँ पे काफी सारे कट्टे डाले हैं। और अगर इसे सही टाइम पे कंट्रोल नहीं करा जाता तो भाई अजमेर में बाढ़ आने से कोई नहीं रोक पाता। तो गाइस अभी हम फाईसागर के साइड में चल रहे हैं और जो व्यू है ना यहाँ से बहुत ही ज्यादा ऑसम है। एक बार देखो पानी पानी है भैया, कौन कहता है राजस्थान में पानी नहीं है भैया, दवा के पानी है। गाइस सच के अंदर घर घर खेतों खेतों में पानी भर चुका है भाई साहब, हर एक जगह पानी ही पानी हो चुका है। अब हम चल रहे हैं कौन सी लोकेशन पे दद्दू? अजय नगर बाबा के। अजयपाल, अजयपाल जाएंगे। चलो गाइस चलते हैं। गाइस 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 हम अजयपाल के रास्ते से जा ही रहे थे तभी बीच में भैया हमें ऐसा नजारा देखने को मिला। भैया कुदरत की कहर जिसे कहते हैं ना वो है। देखो ये देखो पेड़ यहाँ पे टूटे पड़े, वो देखो कितना बड़ा पेड़ है भाई, दूसरे पेड़ के ऊपर चिपका पड़ा है। भाई साहब सच में यहाँ पे बहुत ही तेज स्पीड में जो पानी है वो आया होगा। ये देखो कितना बड़ा जो पेड़ है वो इस पेड़ पे जाके फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और जो पानी है वो यहाँ से यूं गया है, पूरी मिट्टी कटते हुए आई है उधर से। OMG। तो गाइस इधर आप देख रहे हो भैया यहाँ पे पूरा का पूरा पानी स्टोर होके रखा हुआ था। फिर ये जो हिस्सा देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देखो ये भाई टूटा है, इसके टूटते ही जो भैया प्रलय आया है यहाँ पे, जो पेड़ के पेड़ टूटे हैं, जो रास्ते के रास्ते बहे हैं, सच में बहुत ही खतरनाक है। एक बार देखो कैसे टूटा, पूरा का पूरा एक सड़क का हिस्सा गायब हो गया यार। सच में गाइस यहाँ पे पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज रहा कि उसने काफी सारे पेड़ों को उखाड़ फेंका। फिर गाइस हम निकल गए अजय पाल के मेन टेंपल की ओर। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि पानी के बहाव ने किस तरीके से अपना रास्ता खुद बनाया। तो गाइस फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम पहुंच चुके हैं अजय पाल। और आज पता नहीं अजय पाल पे काफी ज्यादा भीड़ है भाई, कोई मेला वेला लग रहा है मेरे हिसाब से। चलो फटाक से चलते हैं। ये इतना इतना ऊपर वो जो पेड़ देख रहे हो ना ये पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ सा था भाई, काफी खतरनाक स्पीड से पानी गया। अभी जो पानी
है वो कंट्रोल के अंदर आया है, तो इस वजह से लोगों का आना जाना फिर से चालू हो गया है। चलो फटाक से चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। बाइक की तरह देने लगा यह गोपाल की मंदिर अजोखर गाड़ी। गाइज ये जो नाला है ना भैया, ये नाला कहीं काम नहीं आया, यहाँ यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ यहाँ तक। तो सोचो गाड़ी वाड़ी कोई आ जाती ना इसमें तो भाग ले जाती, तोड़ देती गाड़ी को। गाइज मेला चल रहा है, मेला भाई कितनी ज्यादा भीड़ है यार। गाइस यार सच में मैंने यहाँ की वीडियो देखी है जिसमें ये जो पानी था ना वो कुछ लेवल तक था भाई। आदित्य ये अजय नगर का वो है पानी, हाँ जयपाल बाबा का, हाँ समुद्र। अजयपाल में काफी टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए पुष्कर की तरफ। पंचर होगी और हमारे पास स्टेपनी भी नहीं है, जो हमारी स्टेपनी है ना गाइस वो भी पंचर है, ये भी पंचर है। पत्थर घुस गया गाइस पत्थर। तो गाइस हमारी गाड़ी पंचर हो गई, तो अब कुलदीप आया है हमारी मदद करने। चलो इस टायर को फटाक से निकाल के पंचर बनवाते हैं, इसका तो पंचर नहीं बनेगा, पीछे वाला आग लगेगी। अरे इसकी गर्दन ऐसी कैसी हो रही है यार। तो गाइस टायर एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका है, चलो फटाक से डेजर्ट चलते हैं। सच में गाइस ये डेजर्ट बिल्कुल डेजर्ट जैसा लग ही नहीं रहा है, जगह जगह पानी भर रखा है और भैया हरियाली की तो पूछो ही मत। सच में बारिश खतरनाक आई है यार, वापस देखो बारिश का नाम लिया और बारिश चालू भी हो गई है। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट प्लेस है वो है पुष्कर सरोवर, चलो फटाक से चलते हैं, देखते हैं वहां पे कितना पानी आ रखा है यार। गाइस जो आगे रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है पानी की वजह से, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे, यहीं से देखते हैं कितना पानी भरा हुआ है। सच में गाइस पुष्कर का पानी से बहुत बुरा हाल हो गया था, सारी की सारी दुकानें पानी से डूब गई थी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो भैया चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैंने कौन सी जगह मिस करी है यार कमेंट में बता देना यार।